राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी, आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे। यही मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी से, श्री राम जी से, मेरे हनुमान जी, सभी देवी देवता आपके ऊपर सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपके सारे संकट दूर हों। जय बाबा नीम करौली महाराज, यही मेरी प्रार्थना है मेरे महाप्रभु के चरणों में। सबके कष्ट हरो मेरे महाप्रभु, सबके कष्ट हरो, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बाबा नीम करौली जी की आपके ऊपर अपार कृपा बरसती रहे, आपके सारे संकट दूर होंगे। ये मैं रोज बाबा जी की शरण में बैठकर सबसे पहले यही अर्जी लगाता हूँ, मेरे बाबा सबके कष्ट हरो, जो भी आपकी महिमा देखे, जो भी अपने धर्म के सम्मान में एक कदम बढ़ाए, तुम उसको अपने शरण में ले लो, अपने कृपा दो। जय बाबा ने। दोस्तों, आज मैं आपको चार लाइनें हैं, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं, बाबा नीम करौली की चरण में शरण चाहिए। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे बाबा, जब से जन्म हुआ है कुछ भी अच्छा नहीं किया, सब पाप ही पाप किया, झूठ ही झूठ, भगवान की चाह में, भगवान की शरण में कुछ भी नहीं किया है, राम का नाम नहीं लिया, बाबा नीम करौली जी से यही प्रार्थना है कि बाबा जी मुझे अपनी चरण में शरण दे दो। तो शुरू करते हैं, बाबा नीम करौली जी के चरण में शरण चाहिए। जीवन के उद्धव से लेकर जीवन के अवसान पहर तक, यानी कि जीवन की शुरुआत से, जीवन के जन्म से लेकर, उद्धव का मतलब होता है उदय होना, उद्धव से लेकर जीवन के अवसान पहर तक, जीवन के अंत आखिरी पहर तक, कभी नहीं विश्वास किया है, अक्षण प्रति अक्षण दुर्वाक्य कहा है, भला छद्म में बुरा किया है, भला सोचकर भी बुरा ही किया है, पुण्य रूप में पाप किया है, अगर पुण्य भी कर रहे हैं उसमें भी अपने मन में मैल है, खोट है, तो पाप ही किया है। इसलिए अब आप जहां हो मेरे बाबा, मेरे सब अपराध भुलाकर अपने कर को इधर बढ़ा दो, उन्हीं करों का वरण चाहिए, बाबा नीम करौली जी की शरण में शरण चाहिए, बाबा नीम करौली जी की चरण में शरण चाहिए। गंगा तट हो या सरयू तट, दूषित जल हो या अक्षयवट, प्रातः समय हो या संध्या बेला, अपने हो या निपट अकेला, बाहर हो या फिर घर हो, निपट भूमि हो या बिस्तर हो, जिस स्थिति में जहाँ कहीं हो, मुझे तुम्हारे ही चरणों में सदा सदा का मरण चाहिए, बाबा नीम करौली जी के चरण में शरण चाहिए, बाबा नीम करौली जी के चरण में शरण चाहिए। जय बाबा नीम करौली महाराज। हे मेरे बाबा, तुम सबके कष्ट हरो, सबके दुख दूर करो मेरे महाप्रभु, यही मेरी मंगल प्रार्थना है, मेरी अर्जी यही रहे मेरे बाबा। मेरा भाई, मेरी बहन, जो भी आपकी महिमा को देखे, जो भी अपने धर्म का सम्मान करता है, उसके सारे संकट दूर करो, हे मेरे हनुमत स्वरूप, हे मेरे बाबा नीम करौली महाराज जी। बाबा कहाँ हो बाबा, प्रभु सुनो, हे मेरे बाबा, हे मेरे हनुमत स्वरूप,
मेरी अर्जी है बाबा, विशेष प्रार्थना है मेरी बहना मेरे भाई सभी के दुख दूर करो। जैसे कृपा मेरे ऊपर कर दी ऐसे ही सबके कष्ट हरो। जय बाबा नीम करोली महाराज। मेरे सभी भाइयों के लिए सभी बहनों के लिए विशेष प्रार्थना और ये वीडियो आगे भी शेयर करें ताकि सभी को इस वीडियो का धर्म लाभ मिले, बाबा नीम करोली जी का पूरा आशीर्वाद मिले, पूरा आपको धर्म लाभ मिले। बाबा नीम करोली जी आपके सभी कष्ट हरेंगे। जय बाबा नीम करोली। बाबा नीम करोली जी की शरण में शरण चाहिए। जय राम जी।